गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टार्ट करेंगे बेटा आज का टॉपिक टॉपिक आपका भाई लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन एंड एज वेल एज बैलेंस शीट। सो टुडे वी आर टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37 इन योर बुक्स मे बी क्वेश्चन नंबर डिफर 38 मे बी 39 मे बी पॉसिबल एज पर न्यू बुक ओल्ड बुक बट हियर क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन समीर यास्मीन एंड सलोनी। सो आई विल रीड यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे कर देता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। समीर यास्मीन एंड सलोनी वो पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। बड़ा तेजी से चलेंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई 2017 में, तो उसी के रिगार्डिंग आप जो है इस पर ध्यान भी दीजिए। 4:3:3 तो तीन पार्टनर है समीर यास्मीन और सलोनी, इनका रेशियो है ओल्ड रेशियो जो है 4:3:3 है। ऑन 31 मार्च 2016 की बात हो रही है। बैलेंस शीट सामने गिवेन है, जनरल रिजर्व गिवेन है, बांटना मत भूलिएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद कैश डेटर ये सारी चीज़ें देख दी गई हैं असेट साइड में। अगर हम बाहर की बात करते हैं, बाहर द बैलेंस शीट में चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, असेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जो कि लॉस है। इफ़ योर प्रॉफिट एंड लॉस सोन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस एंड डेप्ट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ऑन द अपडेट समीर का रिटायरमेंट हो रहा है। डेटर 4000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर एंड डाउटफुल डेप्ट विल बी मेंटेन। तो आप देख सकते हैं आपके डेटर के अंदर जो अगर बैलेंस शीट के अंदर देखे ध्यान से, तो बेटा बैलेंस शीट में ये 90,000 का है। कितने का डेटर है? 90,000 का। और इसका प्रोविजन कितने का? 10,000 का। अभी इस 10,000 के प्रोविजन में से 4,000 रुपये का डिक्लेयर होगा कि भैया बैड डेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको 5% मेंटेन करना है। तो आपको शायद फार्मूला पढ़ा होगा, जिन्होंने 11 में पढ़ा है हमसे उनको बताया हमने फार्मूला कि पीएफडी लगाने का फार्मूला क्या होता है, डेटर माइनस या बीडी इनटू रेट अपॉन 100। तो फर्दर बैड डेट माइनस करते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4000 माइनस करके तब जो आप 5% चार्ज करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट 20,000 का है, नाउ इट विल बी रिकॉर्ड टू साइड डेबिट साइड। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड 5% ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो पेटेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना, मतलब डिक्रीज इन असेट्स हो जाएगा। और इस और भी बाकी असर जैसे स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इन द 3:2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो से जो नया रेशियो बन रहा है वहाँ पे 3:2 गिवन है, और जब आपका ओल्ड और न्यू गिवन रहता है तो आपको गेनिंग निकालना पड़ जाता है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,40,000। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑन समीर्स रिटायरमेंट। तो आपको सिर्फ यू हैव टू पास ओनली जर्नल एंट्री, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा। यू हैव टू पास ओनली जर्नल एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन एंड एज वेल द पार्टनर्स कैपिटल। सो यू कैन सी, आ जाओ बेटा फटाफट देखो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिगार्डिंग मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो, लेकिन मैं आपको समझाते चलूंगा कैसे जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट आया। और अगर हमारे दिमाग में रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो हम उससे जो है जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले आपको जर्नल एंट्री, जिसको लेजर आता है उसको जर्नल एंट्री बड़े आसानी से आ जाती है। 11 में पहले जर्नल पढ़ा था या लेजर पढ़ा था? सर पहले हमने जर्नल पढ़ा था। अगर आपने पहले जर्नल पढ़ा था इसके बाद लेजर पढ़ा था, इसका मतलब लेजर अगर हमारे दिमाग में है तो हम जर्नल का एंट्री, जर्नल एंट्री जो है अच्छे से कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या समझना है, ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन था दैट वाज डेटर ऑफ 4000 विल बी ट्रीटेड एज अ बैड डेट। नाउ यू कैन सी इन योर बुक देयर आज अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर दिया है 90,000। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे 90,000 का डेटर दिया है, इसके नीचे लिखा है पीएफडी फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना लिखा है 10,000। अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो बाहर वाले कॉलम में 80,000 जो है शो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ एनी कंटिजेंसी इफ द डेटर इज नॉट एबल टू पे देन 10,000 आई ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन दैट मे बी रिसीव दैट मे नॉट बी रिसीव। तो 10,000 का हमने जो क्रिएट करके रखा है। नाउ आउट ऑफ 10,000 इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, 4,000 ऑफ द डेटर विल बी ट्रीटेड एज अ बैड डेट। तो नाउ 4,000 जो बैड डेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अभी उस 4,000 को आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो बैड डेट हो गया उसके लिए आपने पहले से लायबिलिटी क्रिएट करके रखी है। तो 10,000 में से 4,000 की तो रिकवरी हो गई। अब बात कर रहा कि एंड यू हैव टू मेंटेन, फिर से मेंटेन करना 5% ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर हम बात करें प्रोविजन लगाने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना है न्यू प्रोविजन का, तो न्यू प्रोविजन कैसे आता है? जब भी बेटा न्यू प्रोविजन बनता है तो ओल्ड प्रोविजन का कोई भी काम नहीं रहता है। यहां पे डेटर, न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला हो जाएगा डेटर
माइनस या बी डी इंटू रेट अपॉन 100। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको मैंने बताया, उनके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, खुश भी होंगे वो कि सर ये तो हमें पता है। तो डेटर माइनस या बी डी इंटू रेट अपॉन 100, यहाँ पे डेटर 90,000 का, दैट इज गिवन इन यू क्वेश्चन। 4,000 यहाँ पे या बी डी है, फर्दर बैड डेट माइनस हो जाता है। फर्दर बैड डेट कहते हैं किसको है, जिस बैड डेट को बाहर दिया रहता है। माइनस का दिन कितना है 86,000 और 5% चार्ज किया तो कितना आ गया 4,300। अब ध्यान से सुनो बेटा, आपने कितने का पहले से प्रोविजन कर रखा है, कितने का प्रोविजन कर रखा है, 10,000 का। 10,000 अगर मैं बात कर दूं तो 4,000 रुपये किसके लिए चला गया सर, 4,000 रुपये बैड डेट के लिए चला गया, और 4,300 रुपये आपको क्या मेंटेन करना है, पीएफडी मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं हमने जो 10,000 रुपये का ओल्ड प्रोविजन बनाया था, उस ओल्ड प्रोविजन में जो यूटिलाइज हो रहा है 4,000 फॉर द पर्पज ऑफ बैड डेट एंड 4,300 फॉर द पर्पज ऑफ न्यू प्रोविजन। तो अभी न्यू प्रोविजन जो बुक में जाएगा वो 4,300 ही रहना चाहिए। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो सिर्फ कितना जाएगा, 1,700 रुपये आपका हो जाएगा फायदा, मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, दैट्स वाई वाई पीएफडी हमने रिकॉर्ड किया 1,700 रुपये। फिर से बता दूं बेटा कि 10,000 का प्रोविजन कर रखा है, अगर प्रोविजन आपका बढ़ता तो 2 साइड में जाता, लेकिन प्रोविजन बच गया। कैसे बच गया, 4,000 बैड डेट के लिए और 4,300 नया प्रोविजन के लिए। तो प्रोविजन 4,300 रहेगा 5% और 4,000 बैड डेट, सबको इसने रिकवर कर लिया, अपने अंदर समावेशित कर लिया, बचा 1,700 रुपये। दैट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी कह सकते हैं आप इसको, या इंक्रीज इन असेट्स कह सकते हैं, जो भी कह दीजिए। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी होने की वजह से बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,700 रुपये रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो सबसे पहले तो जो प्रोविजन आपने उठाया, मैं उठा ले रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब मेरी बात बताओ, कोई स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री क्या होती है जो डेटर पे बनती है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। बेटा डेटर को प्रोविजन कम करता है, दैट्स व्हाई हम क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर को कम करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी जो है मेंटेन है। फिर से कोई भी नया प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बने हुए प्रोविजन में से थोड़ा सा बचा करके रखने की जरूरत है। तो करना क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू क्या करना है, टू डेटर। आपका डेटर कम हो जाएगा, टू डेटर अकाउंट जो प्रोविजन बैड डेट क्लियर हो चुका है वो कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप कितना प्रोविजन कितना जो है अप्लाई कर रहे हो, 4,000 आपने डेटर पे यूज कर लिया, कितना यूज कर लिया, 4,000 डेटर पे यूज कर लिया, और कितना बचा 6,000। उस 6,000 को हमें रोकना था, लेकिन 6,000 में हम सिर्फ कितना रोक सकते हैं, 4,300 रुपए। तो 10,000 में से 4,000 हमने बैड डेट का निकाला, तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू जो है डेटर। आप देख सकते हैं हिंट में भी दिया हुआ है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, करना आपको यह है कि सर हमारे पास कुल 10,000, ध्यान से देखो कुल 10,000 था, इसमें से हमने 4,000 रुपये का बैड डेट माइनस कर दिया, तो धीरे धीरे करेंगे कि सर 6,000 रुपये बच गया। तो भैया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर को रिकवर किया, कहानी खत्म, 6,000 बच गया। ये 6,000 क्या प्रोविजन बना रहेगा, लेकिन प्रोविजन कितना बनाना है, सिर्फ 4,300 बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोविजन का 1,700 का कोई काम नहीं है, और 1,700 का कोई काम नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड जाएगा, बाई साइड। देखो बाई पीएफडी रखा हमने 1,700 रुपये, तो बाई पीएफडी मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाई पीएफडी, किधर गया, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर बाई साइड का आइटम होगा वो डेबिट जाएगा, ऊपर वाला क्रेडिट जाएगा, ये 11th का रूल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो हम यहां दिखा देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,700 रुपये। तो हमारा 5,700 रुपये का काम लग गया, 10,000 में से 4,300 का प्रोविजन बैलेंस में मेंटेन रहेगा। ठीक, तो 5,700 रुपये में से क्या क्या हुआ, आपका डेटर 4,000 का बैड डेट हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,700 रुपये का ये हो चुका है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर बैड डेट का नाम क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट से बैड डेट राइट ऑफ होगा बाद में, वो पीएल की एंट्री है, और ये जो प्रोविजन आपने बनाया हुआ है ये आपने सीधे पीएल अकाउंट से बनाया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एंट्री, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 20,000 विल बी मेंटेन। तो 20,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अभी रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस साइड जाएगा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एंट्री भी आपके दिमाग में आ गया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो मैंने इसलिए बना रखा ताकि आपको वो भी समझ आए, टू क्रेडिटर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना, 20,000 का रिकॉर्ड करो,
अब किसी के दिमाग में हो गया कि सर एंट्री नहीं समझ में आई, अरे बेटा क्रेडिटर मतलब क्या, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी किधर से रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट से ही तो रिकॉर्ड होती है, बीइंग क्रेडिटर रिकॉर्डेड, बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। इसके बाद है पेटेंट विल बी कम्प्लीटली राइट ऑफ एंड 5% डेप्रिसिएशन स्टॉक एंड मशीनरी। तो पेटेंट पूरी तरीके से राइट ऑफ हो रहा है, मैं फिर से एंट्री पास करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा। डेबिट करने के बाद देख लो फटाफट टू साइड में जाएगा टू, पहले आप पेटेंट को राइट ऑफ कर दीजिए, पेटेंट कितने से राइट ऑफ हो जाएगा, पेटेंट की वैल्यू 60,000 दी है बुक में और वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा, तो 60,000 का ये स्टॉक आपका 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है, स्टॉक 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 का 5% 5,000, 5% से आपका जो है मशीनरी भी डेप्रिसिएट हो रहा है टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 3,00,000 शायद, 3,00,000, 3,00,000 का 5% 15,000, और क्या आपका डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, सब डेप्रिसिएशन है बेटा, बिल्डिंग कितने से डिक्रीज हो रहा है 5% से, ये भी है बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 2,00,000, तो 2,00,000 का 5% कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, कर दीजिए। देखिए 15,5,20 ये हो जाएगा, 20,10,30 और ये 60,000 है, 90,000 से जो आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 90,000 एंड 20,000 दो बार आपका डेबिट है, तो कितने से डेबिट हो गया 1,10,000 रुपये से। क्रेडिट की बात करेंगे तो सिर्फ 1,700 रुपये से क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है 1,700 रुपये से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा डेबिट का बैलेंस, बच गया आपका 1,08,700 रुपये, कितना बच गया 1,08,700 रुपये। अब आपको पता है कि इफ़ योर डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट, अगर आपका डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो क्या आ जाता है लॉस, और लॉस कैसे लिखा जाता है बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्या क्या नाम था, समीर कैपिटल, यास्मीन कैपिटल एंड सलोनी कैपिटल। तो आप इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे देखो मैंने पहले से डिवाइड करके रखा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो में टाइम ना कंज्यूम हो, 43,480, 32,610 एंड 21,740, ये इतना कर लेंगे आपका सीधे जो है डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जर्नल एंट्री आपको करनी है, ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए देखिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री कर देता हूँ, क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी किसके लिए, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए ताकि जो है ऐसा ना हो कि जो है कुछ चीज़ें रेज हो, इतना नोट करिए फिर मैं आपको बता दूँ कैसे जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री करनी बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपका नोट हो चुका होगा जर्नल एंट्री। अब तीन चीज़ की बात ये करनी है, देखो क्योंकि आपको ध्यान से आपने जर्नल एंट्री पास की तो मैंने इसलिए आपको ये बनाया हुआ है ताकि जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं सिर्फ जर्नल एंट्री आपको बता दें, शायद आप अपना कनेक्ट नहीं कर पाते कि किस तरीके से जर्नल एंट्री हो रही है। चलो बेटा मैं फटाफट फिर बात करता हूँ कि रिवैल्यूएशन में होने वाले लॉस को ट्रांसफर करेंगे, ये लॉस का ट्रांसफर का पता कैसे चला, क्योंकि आपका डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट से, ये नहीं बना रहेगा तब भी आप जान जाए क्योंकि आपने जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, तो डेबिट को क्रेडिट से कंपेयर कर लेंगे, अगर आपका डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या कर देंगे लॉस ट्रीट कर देंगे 1,08,700। हम ये देखिए कैसे एंट्री पास होगी, अगर लॉस है तो पार्टनर डेबिट होते हैं, प्रॉफिट होता है पार्टनर क्रेडिट होते हैं। अब कितनी बार बताऊंगा भैया, लॉस है तो पार्टनर डेबिट, प्रॉफिट होता है पार्टनर क्रेडिट। यहाँ पे लॉस है कितने का लॉस है 1,08,700 रुपये का, देखो हमने कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है 43,480, ये एंट्री आपकी होगी। इसके बाद हमने कर रखा है 32,610 आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 21,740 ये आपने डिवाइड कर लिया। इसके बाद मैंने बैलेंस शीट पढ़ते ही इसमें आपको बताया था कि देयर आर जनरल रिजर्व इज गिवन, जनरल रिजर्व गिवन है कहाँ, लाइबिलिटी साइड में, कितने का गिवन है 60,000 का, तो 60,000 के जनरल रिजर्व को जब आप 4,3,3 में बांटेंगे, 4,3,3 में, तो देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम आएगा, ये 6×4 24,000 रुपये, 24,000, 18,000 और 18,000। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम आगे बात करते हैं, देयर आर आल्सो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन इन साइड द असेट साइड देयर आर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड गिवेन है तो मतलब लॉस है, और लॉस है तो पार्टनर फिर डेबिट हो जाएंगे, हमने फिर से डेबिट कर रखा है पार्टनर्स को। कितने का लॉस गिवेन है आप चाहें तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं, 50,000 का, तो हमने यहाँ पे रख दिया 50,000। अब इस 50,000 का लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे, फिर वही 4,3,3, न्यू रेशियो कहीं अप्लीकेबल नहीं होता है, कर दीजिए 4,3,3, 4,3,7,3,10 मतलब 20,000 एंड 15,000 एंड 15,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब शायद कोई कैलकुलेशन नहीं बचा है, पेमेंट की बात आएगी, क्या कोई बता सकता है कौन सा कैलकुलेशन बचा है, बताओ बेटा कौन सा कैलकुलेशन बचा हुआ है,
सर कैलकुलेशन एक बचा है और उस कैलकुलेशन का नाम क्या है? क्या है नाम, कौन बताएगा? उस कैलकुलेशन का नाम है गुडविल। गुडविल का पैसा भी नहीं ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? तो पूरे फर्म की गुडविल जो है दी है, दैट वॉज गिवन इन योर क्वेश्चन 5,40,000। पूरे फर्म की गुडविल 5,40,000 रुपए है, तो आप निकालेंगे किसका, कौन रिटायर हो रहा है? समीर। सो समीर शेयर ऑफ गुडविल, समीर के गुडविल का शेयर कितना बन जाएगा? कितना जाएगा बेटा? 5,40,000 इंटू डिवाइड कर देंगे 4/10। देखो रेशियो क्या चल रहा है, 4:3:3, 4/10, 3/10 एंड 3/10, तो ये आपका रेशियो है, ठीक है? निकाल लीजिए डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21,600, सॉरी 2,16,000 रुपये। देखिए कैसे आएगा, 0,0 कैंसिल हो जाएगा, 54 आप कर देंगे, 5, 4, 20, 2,00,000 रुपये और 4×16, मतलब जो है 2,16,000 रुपये का पेमेंट करना है, किसका? गुडविल का, ठीक है? अब इस गुडविल के पेमेंट के लिए चलिए फटाफट करते हैं, सभी लोग गेनिंग रेशियो निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ, गेनिंग रेशियो निकालो। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने लोगों ने गेनिंग रेशियो निकाल लिया? आपके लिए छोड़ा था हमने, न्यू ओल्ड रेशियो गिवन था 4:3:3 एंड समीर न्यू रेशियो गिवन था 4:3:2, 3:2 मतलब 3/5, इसका मतलब 4/10, 3/10 एंड 3/10। हमने देखो निकाल लिया गेनिंग रेशियो फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यास्मिन का 3/5 - 3/10 निकाला तो कितना आया 3/10। सरोनी का निकाला 2/5 - 3/10 कितना आया 1/10। तो 3/10 एंड 1/10 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3:1। ये 3:1 क्या आपका बेटा गेनिंग रेशियो है। 3:1 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 एंड 1/4। इट मीन्स द रिमेनिंग पार्टनर हैव टू पे द गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1 बिकॉज दैट रेशियो इज गेनिंग रेशियो। तो कर देंगे 3/4 1/4, तो कौन कितना देगा, यास्मीन आपकी देंगी 1,62,000 और सलोनी को देना पड़ेगा 54,000। व्हाट एंट्री विल बी पास, गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यास्मिन कैपिटल डेबिट, सलोनी कैपिटल डेबिट टू हु इज समीर, टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। समीर को कितना चाहिए गुडविल के लिए, कितना चाहिए, कितने के लिए परेशान है वो परेशान है 2,16,000 रुपए के लिए, रख दीजिए 2,16,000। यहाँ ये देंगे 1,62,000 और इनको देना पड़ेगा 54,000। तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किस रेशियो में बढ़ गया, ये 3:1 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना नोट कर लीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं? ओके करिए फटाफट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात और आई कि जो है जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है समीर, उसको कैपिटल का पैसा देना है, रिवैल्यूएशन में आने वाले पैसे को देना है, रिजर्व का पैसा देना है, लॉस हुआ तो लॉस माइनस होगा, गुडविल देना है तो गुडविल। आप ध्यान से देखिए 3,00,000 रुपये उसको हम किसका देंगे, कैपिटल का देंगे, 43,420 उसको लॉस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, 24,000 आपने रिजर्व में दिया देख सकते हैं वो आप दे देंगे, 20,000 आपने लॉस कंसीडर किया ये भी माइनस हो जाएगा, एंड 21,600 फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। तो टोटल करेंगे आपका 4,76,680। ये किसका पैसा है, समीर का पैसा। क्या समीर के पेमेंट की बात की है? अगर समीर के पेमेंट की बात किया था तो समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश लगता है, लेकिन समीर के पेमेंट की बात नहीं किया तो टोटल पैसा कहाँ चला जाएगा, समीर के लोन में। क्या एंट्री पास हो जाएगी, समीर लोन अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट, क्योंकि वो पैसा नहीं पे किया जा रहा है, तो पूरा पैसा जो है उसका कितना है 4,76,680। ये पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आगे के क्वेश्चंस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? आज सब आप पे डिपेंड है बेटा, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।